अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि इस वक्त हम हैं उत्तराखंड के डासीखेत गांव में, जो कि मेरा गांव है। अब तक यहां पर हमने एक हिल टॉप पर बने क्रिकेट ग्राउंड में एक मैच खेला। फिर हमने करी यहां एक नई लोकेशन एक्सप्लोर, जहां हमने करी खूब सारी मस्ती। और अब हम जा रहे हैं हमारे हिमालयानंद होमस्टे के एकदम नजदीक वाले जंगल में, जहां आज हम करेंगे एक छोटी सी नाइट पिकनिक। So at the moment we are back at Himalayanand's homestay, and the plan for tonight is that we are gonna camp in the middle of the forest. So basically this is the homestay at my back, and up there where you can see some light, that's the jungle area where we're gonna camp. थोड़ा एक रिज टाइप का एरिया, एलिवेटेड एरिया, तो वहाँ पे जस्ट जंगल शुरू हो रहा है। सो वी गोना कैंप देयर, सो इट्स गोना बी काइंड ऑफ जंगल कैंपिंग। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अरेंजिंग थिंग्स। लकड़ी हमने उठाई यहाँ से, सो आई हैव दिस लाइट एंड स्टिक विद मी। ओए जो भी है इसको याद रखना, ये बस क्यों है? बालू के लिए। बीच बीच में ना पेड़ पे मारते रहना है। क्यों? जानवर वानवर होता आवाज से फिर नजदीक नहीं आता। और कभी तो आ भी क्या दिख गया भैया, तो टक टक मारो, हल्ला करो, निकल जा रहे जिससे जलाना है। और सीन ये है कि भाई वी गोना कुक सम चिकन यहाँ पे। दिस इज द किचन सेटअप, यहाँ पे अपन रोस्ट करेंगे चिकन। बेसिकली तसला है, उसके ऊपर एक फ्रेम है हमारा, इसके अलावा दो नेट्स हैं जिसपे हम चिकन रखेंगे, रोस्ट करेंगे, मैरिनेट चिकन वी हैव। अब दूसरा सेटअप इज गोना बी वेयर वी गोना लाइट सम फायर, बिकॉज ऐसे जंगल में क्या होता है, जो ये जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, तो द ओनली वे टू कीप देम अवे इज फायर। तो थोड़ा सा जला के रखूँ ताकि जानवर से बचाओ। यही है सबसे बड़ी दिक्कत ना, आग स्टार्ट करना। एक बार स्टार्ट हो जाए। कैंपिंग, बॉनफायर, बारबेक्यू, ये तो हमने बहुत किया लाइफ में, बट ये पहली बार है कि हम इस जंगल के बीच में बैठकर एक नाइट पिकनिक कर रहे हैं और जंगल के बीच में बैठकर आग लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमें यहाँ हो रही है आग लगाने में, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा लकड़ियाँ नहीं है और हवा चल रही है तो आग बार बार बुझ जा रही है। बट हमारे पास है एक प्रो पांडे, जो आग लगाने में फुल एक्सपर्ट है। अब पांडे ने हाथ लगाया है और काफी देर की मशक्कत के बाद हमारी आग लग गई है। तो एक तरफ हमारा बॉनफायर रेडी है और दूसरी तरफ हम कोयलों से चिकन पका रहे हैं। तो बड़ा एक यूनिक सा सेटअप है, बॉनफायर भी है और बारबेक्यू भी चल रहा है, और हम पांच दोस्त बैठे हैं इस जंगल के बीच में और खूब फन कर रहे हैं हम पांचों। बट हम सब में सबसे ज्यादा एंजॉय जो कर रहे हैं इस वक्त वो है अमन सिंह। यार देखो, मैं पहली बार नहीं आया इस पहाड़ पे, लेकिन ये जो हो रहा है ये पहली बार हो रहा है। बॉनफायर पहली बार हो रहा है, बॉनफायर बारबेक्यू, ये इस तरीके से जो हम कर रहे हैं ना घर के पास में, यहाँ फील है कि हम अपनी ही जगह पे हैं। जो ये लड़का है जिसका ये चैनल है, जो व्लॉग बना रहा है, इसका खुद का होम स्टे है, ये जो आप फिलहाल अपने आँख के सामने देख रहे हो, ये सारी सुविधाएं आपके आने पे भी वो उपलब्ध कराएगा। ये बारबेक्यू आप भी कर सकते हो, वो आग आप भी ताप सकते हो। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। एकदम सेम यही होने वाला है, अगर आप भी आओगे यहाँ पे तो आपको भी सारी चीजें मिलेंगी, लकड़ी मिलेगी, बॉनफायर मिलेगी, ईंटें मिलेगी, चिमटा मिलेगा, बर्तन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, जो भी सब कुछ मिलेगा। इन शॉर्ट सेम ट्रीटमेंट है, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, जहाँ बैठो बाप का घर समझो। ये पॉइंट बहुत अच्छा था भैया, अपने बाप का घर समझो, क्या चाहिए सब मिलेगा, इन शॉर्ट अपने बाप का घर समझो। काफी देर इस बॉनफायर में बैठने के बाद रेडी है हमारा चिकन, जो हमारे शेफ पांडे ने बड़ी शिद्दत के साथ इस हल्की आग में पकाया है। इस रोस्टेड चिकन को फुल एंजॉय करते करते बज गए हैं रात के 1:30 और हमारी पार्टी पहुंच गई है अपने क्लाइमैक्स पे। I am feeling very good right now. जंगल वाली कैंपिंग तो फर्स्ट टाइम की है और बिल्कुल ही न्यू एक्सपीरियंस था यार। इंडिया में जैसे 135 करोड़ की आबादी है ना, तो उसमें से मुश्किल से 2 या 4 करोड़ लोगों ने ये किया होगा, बाकी सब किसी ने भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ये हमारे ना गांव है और यहाँ पे घर वाले हैं आसपास, तो ना हम ये कर पा रहे हैं, कोई अनजान जगह होगी ना, ये हम कभी नहीं कर सकते भाई। बेस्ट पार्ट अनजान जगह में तो ये सबसे ज्यादा रिस्की काम है, जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता हो। यहाँ तो मैं तो कह रहा हूँ नीचे लोग हैं, जंगल कैंपिंग करनी है, जिम कॉर्बेट आते हो, जिम कॉर्बेट से थोड़ा और ऊपर आओ, कितने 50 किलोमीटर और ऊपर आओ, 62 यहाँ पे आओ हिमालयन होम स्टे में, हमारे घर वाले आपके घर वाले। हम सभी काफी खुश थे, हमारी ये वाइल्ड पिकनिक अपने पीक पर पहुंची ही थी कि अमन को दिखी है अंधेरे में चमकती हुई दो आंखें। मतलब
कोई ऐसा जानवर दिखा मन को जो कहीं छुपके हमें देख रहा है, कहीं उसने यहाँ पे देखा ना इस साइड कहीं पे, हम वहाँ जाके देख नहीं रहे। इनफैक्ट हमें यहाँ गांव के लोकल्स के द्वारा ये भी समझाया गया था कि आप उनको परेशान ना करो, वो आपको परेशान ना करेंगे, तो हम जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे। हमें लगता है कि हम यहाँ 5 हैं। क्या सीन है चुच्चू, क्या लगता है क्या कौन हो सकता है? अरे जो भी हो हमको आप आग जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप सेफ होंगे। करेक्ट है, आग से ही बच सकते हो आप, आग ही आग है जो है, कहीं भी कुछ भी। जो सूखी लकड़ियां हैं वो भी कम होती जा रही हैं, रात भी बढ़ती जा रही है। इन शॉर्ट यही हो रहा है कि अवर रिसोर्सेज आर गेटिंग ओवर, मतलब मजा बड़ा आ रहा है, बट जान को गणो खतरो है। हम सबको एहसास तो हो गया था कि हमारे आसपास कोई जानवर तो है, बट अभी क्या, हम सब अपनी धुन में लगे हुए हैं, मौज मस्ती चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही है। पांडे अपना बर्गर वर्गर बना रहा है, आग वाग लगा रहा है, बट तभी मुझे अंधेरे में देख लिया दो आंखें। ओए ओए ओए, मैं लिटरली बता रहा भाई, अब झूठ नहीं बोल रहा मैं, अब मैंने सीरियसली, ये बहुत पास था। पेड़ों के पीछे से अंधेरे में दो आंखें चमक रही है जो मूव हो रही है, मतलब कोई ऐसा जानवर है जो हम पे नजर रख रहा है और घूम रहा है हमारे आसपास। अब ये बाघ है, शेर है या चीता है ये हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि जो भी जानवर है हमें देख रहा है। भाई मैंने लिटरली दोबारा देखा भाई, और ये यही जगह देखा, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही कहीं ओ ये भाई, माँ की कसम बहन, भगवान की कसम भाई, सबसे पहले तो अब आग लगा, आग लगा, आग लगा। अब हम सब पैनिक मोड में हैं, हम सबको यकीन हो गया कि कोई ना कोई जानवर है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में हम आवाज़ें निकाल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, पेड़ों पे डंडे मार रहे हैं, मतलब किसी तरीके से उस जानवर को दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें यहाँ से बचकर नीचे तो उतरना ही है, पर साथ में जो हम सामान नीचे से लेकर आए थे अपने साथ, वो सारा सामान अपने साथ वापस लेकर जाना है, और साथ में हमें पैनिक भी नहीं करना है, अपने आप को काम रखना है। अब यहाँ पर सबसे अच्छा रोल जो दो लड़के प्ले कर रहे हैं वो है अमन सिंह और निशांत पांडे। निशान के पास एक लकड़ी है जिसमें आग लगी हुई है, वो उसमें से फूंक मार मार के चिंगारियां निकाल रहा है जिससे जानवर हमारे पास ना आए, और दूसरी तरफ अमन सबको शांत कर रहा है और सबको गाइड कर रहा है कि कैसे सामान को यहाँ से नीचे उतारना, और सबकी मदद कर रहा है उस सामान को नीचे ले जाने। भाई आ रही है भाई, तू जलाते रहे, बस आग जलाते रहे। अब जब हम वहाँ से नीचे उतर रहे थे ना, तो हम सबको महसूस हो रहा था कि कोई है जो हमें फॉलो कर रहा है, पैरों के चलने की आवाज़ें आ रही हैं हमारे कान पे, और महसूस हो रहा है हमें किसी की प्रेजेंस, बट हम इस सब को इग्नोर कर रहे हैं और किसी तरीके से बड़ी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रहे हैं बिना पैनिक के। हमारे पास कुछ टॉर्च है जो हमारा इकलौता सहारा है इस अंधेरे में, और उसी की मदद से हम यहाँ से नीचे उतरे अपनी जान बचाकर और पहुँचे हैं अपने होम स्टे पे। बट सबसे अच्छा पार्ट क्या था ना, आज हमने जो समझदारी दिखाई, हमें भागे नहीं, एक सेकंड आया तो था, आग बढ़ाई दो बार, फटाफट सामान नीचे लाए, और हमारी लकड़ियाँ खत्म हो गई तब हम हटे। आखिरी बार सामान उतारने के लिए जब नीचे उतर रहे थे ना, मैं लास्ट में था, मेरे पास वो था, हाँ भाई, लकड़ी थी जिसमें आग थी, तो मेरे को लिटरली जैसे पैर चलने की आवाज होती है ना, हाँ, जैसे घास पे चलोगे तो हल्की सी पैर की आवाज आती है, तो एग्जैक्ट आवाज मेरे को आई, मैंने दोबारा उसको फूंक मारी, मैंने कहा आग लगी रहे, बट कोई जानवर था वो तो है ही। मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ ये तो एक ना एक किलोमीटर के अंदर बाघ तो है ही, तय है। देखो अगर बाघ अगर ऊपर है, ऊपर वाला वो बाघ ही था, तो पहले बंद करो भाई इसको, मेरी तभी फटरी आ तो यहाँ से भी सकता है। अब हम सबकी सांस में सांस लौट आई है, क्योंकि हम सब आ चुके हैं अपने होम स्टे में वापस। ऐसे में हमारे अंदर जो डर था वो अब दोबारा से हंसी मजाक में बदल गया है। चुच्चू दिल का बहुत अच्छा आदमी है, बट जिगरे का सबसे बड़ा जिस हिसाब से वो भाग रहा था, दौड़ रहा था हमें छोड़ के भी, दैट वाज अमेजिंग। नीचे तो तुम आ ही जाओगे, जब भी ऐसा लगे ना, बंगाली वाला हिसाब नहीं होता जब उड़ उड़ करता है भाई, सबसे सही है 5 जने मिलके करेंगे ना, तो भाई शेर की तो फट जाएगी, वैसे ही समझ आ गया, शेर की फटती तो है, इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है।
एग्जैक्टली इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है, तुम सबसे बड़े छोटे वाले नहीं, शेर आने भी भेड़ बकरी अंदर करते हैं, तुम्हारे आने पे भी करते हैं। चलो कम से कम कहीं तो बचाव हो रहा है गांव वालों का। लाइट तो मूड। चलो सुट्टा मारते हैं, ये कट कर दे। अब अगर आप भी हमारी तरह अपनी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं और कहलाना चाहते हैं एडवेंचर एंथुजियास्ट, तो आप भी आ सकते हैं हिमालयानंद होमस्टे, जो कि जिम कॉर्बेट से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, और जिम कॉर्बेट से ज्यादा मजा आपको यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आकर आप शेर के दांत गिन सकते हैं या फिर उसका खाना भी बन सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो एडवेंचर की फुल ऑन गारंटी, बट जिंदगी की कोई नहीं। तो आइए हिमालयानंद होमस्टे पे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, बुकिंग कराएं और शेर का खाना बने। स्टिल इफ यू फील व्हाट वी कैन।